जी भी साहब। प्लीज सर आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सपना। वो अभी भी आपका दिल्ली से कॉल आया था। किसका? वही आपके दोस्त जो नाम नहीं बताया करते, कहते हैं कुछ भी कह देना, मिस्टर एक्स का फोन था। अच्छा अच्छा। वो आज शाम को यहाँ बम्बई आ रहे हैं, रात को आपसे मिलना चाहेंगे। उनके रहने का इंतजाम होटल इंटरनेशनल में कर दो। जी हाँ, कमरा मेरे नाम पर हो। जी सर, वो सेठ लोग अंदर बैठे हुए हैं। आ गए? जी। जफरुल्ला को भेजना। ओके सर। अरे भाई खोलते हैं खोलते हैं, ये कोई भड़बूजे की दुकान है? एकदम खटखटाया और खुल गई। अरे शेठ बेटा शेठ, जाओ खुल जाए। देखो हिसाब किताब बराबर रखना, अपना डिपार्टमेंट गलत नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, आपको डीपी साहब बुला रहे हैं। अब उस सेठिये लोग वहीं बैठे हुए हैं। जी बेड़ा गरक। मैं समझा था सिर्फ मेरा ही पन्ना ला कर रहा है तुम पर, लेकिन मार्केट बहुत छोटी है डीपी, ऐसी कोई बात ज्यादा देर चुपी नहीं रह सकती। अरे तुम दोनों ने तो मिलकर इसे 25 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मुझे अकेले का इसने 25 देना है। 25 और 25 हो गए 50, 10 मेरे मिला के बन गए 60। तुम्हारा कितना है सेठ जगन? अब बात खुली गई है तो उसका क्या छुपाना, मेरा 20 लाख रुपया देना है। 20 और 60 हो गए 80। आपका इरादा क्या है सेठ दुर्गा प्रसाद जी? अरे आप खामोश क्यों हैं? बोलिए। प्लीज होल्ड ऑन सर, आपका इटली से कॉल है। हेलो प्रांतो की पार्ला क्वांटो कॉस्टा उन ग्रांड नावे एस्पेटा सी चिंक्वे मिले मिलियार्डी मोल्ट ग्रेसिया प्रांतो। डीपी तुमने जब हमसे रुपए लिए तुमने कहा था मुझे जहाज खरीदने हैं, 6 महीने गुजर चुके हमने तो कोई जहाज नहीं देखा। आई वॉन्ट टू नो मेरे रुपए की सिक्योरिटी क्या है। अरे पूछो हम लोगों के रुपयों की क्या सिक्योरिटी है, पूछो। हमारे रुपए की एक ही सिक्योरिटी है, मेरा नाम टीपी। टीपी शिपिंग कंपनी 80 लाख की कंपनी नहीं, 80 करोड़ की कंपनी है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो अपने अपने चेक लो और दफा हो जाओ। खासद जी सरकार, इनका निपटारा कर दो। अजी सरकार, चेक बुक तो मैं पहले ही से ले आया था, और हुजूर मैंने अर्ज किया था कि ऐसी छोटी मोटी तुच्छी पार्टियों से पैसा लेना आपकी शान के खिलाफ है। अबे ओ बुड्ढे, छोटी पार्टी किसे कहता है? अरे आप तो यूं ही बुरा मान गए। अरे साहब ये कोई मामूली धंधा थोड़ा ही है। अरे भाई ये तो जहाजी कारोबार है, जहाजी। 25 लाख रुपट्टी में तो जहाज का वो जो भौभू बोलता है ना, वो वही खरीदा जा सकता है। क्यों सरकार, गलत कहा मैंने? हेलो यस प्लीज होल्ड ऑन सर, आपका जापान से कॉल है। डीपी स्पीकिंग। हाँ मेहरा बोलो, कोटेशन मिली? ऐसा करो जहाज जापान में ही ऑर्डर कर दो। पहला जहाज कब मिलेगा? 3 महीने में। वेरी गुड, रिजर्व बैंक में मैंने 3 करोड़ रुपए भर दिए हैं, तुम वहां विड्रॉ कर लो। पैसे की फिक्र ना करो यार, काम आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। आप लोग अभी तक यही हैं? चलिए साहिबान, आपके वो जो है ना ब्याज का हिसाब कर लिया जाए। ठहरिए खान साहब। डीपी यार तुमने हमको गलत समझा। हमको ही अपना रुपया वापस लेने थोड़े ही आए थे, हम तो सिर्फ अपनी तसल्ली करने आए थे। थडानी सेठ, बड़े धंधे बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, इसमें वक्त लगता है, हिम्मत की जरूरत होती है। प्लीज कम इन सर। मर्सी मैडमोज़ेल। मोस्ट वेलकम। बोंजोर मिस्टर डीपी, कॉमेंट एलिवू, कॉमेंट एलिवू। हाउ नाइस ऑफ यू टू कम। आप लोग मुझे इजाजत देंगे? Evening then. Right. सपना? Yes, sir. ये डाक में भेज देना। जी। सपना अभी। जी। जफरुल्ला। हुजूर। बैंक में कितना पैसा बाकी है? अरे हुजूर वहां तो मक्खियां भी नक रही हैं। 5 लाख रुपए ऊपर से ले चुके हैं, बैंक मैनेजर का नोटिस आया हुआ पड़ा है। अगर वो सेठ लोग
चेक लेने को तैयार हो जाते तो क्या होता? अरे हुजूर, जो गरजते हैं वो अपने से ज्यादा गरजने वाले से लड़ते हैं, और हुजूर ने जो गले के अंदर गरज पाई है। सुभान अल्लाह। शेर कैसे बिक रहे हैं? शेर कैसे बिके? अरे बेवकूफों की कमी नहीं, गालिब लाइन लगाए हुए पड़े हैं, दूसरे बेहोश हुए जा रहे हैं। जफरुल्लाह, जल्द से जल्द जितने ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकते हो बनाओ, उसके बाद हम रफू चक्कर होते हैं। हुजूर, बंदे का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप रफू करके निकल लें और बंदा चक्कर में फंसा रह जाए। तुम बजाओ। तुम ही बजाओ दोस्त, ये अपने बस का रोक नहीं है। आवाज तुम्हारी अच्छी है धर्म, हमारे बैंड में भर्ती हो जाओ, नाम हो जाएगा। लेकिन आजकल तो मैं नाम छुपा के चल रहा हूँ ब्रिगेंजा। किससे? उनसे। और क्या क्या हुआ दफ्तर में है? आप किसी खुफिया पुलिस के अफसर हैं? क्यों? क्योंकि मालूम होता है आपको मुझसे ज्यादा मेरे दफ्तर में दिलचस्पी है। अरे बाबा बिगड़ो मत, चाय खत्म करो। बेटा आज फिर से किसी दोस्त के वहाँ जाना है। जाना तो है। ठीक 8 बजे। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। तो अभी तशरीफ ले जाइए ना, किसने रोका है? इतनी पेशी क्यों हो रही हो? कभी कभी लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ ड्यूटी निभाने आते हैं। सुनो, आज शाम को मेरी यहाँ पार्टी है और मेरी सब सहेलियाँ अपने दोस्तों के साथ आ रही हैं। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मेरे साथ आएंगे, नहीं तो कट्टी। इतनी सी बात है तो लोग इस अपने दोस्त को फोन करके कह देते हैं कि भाड़ में जाए वो, आज हम साथ में आसमान की सैर करने जा रहे हैं अपनी नाराज सी इस सपना के साथ। अब जरा आगे बंद करो दोनों और जरा मुंह खोलो। हाँ राइट। हेलो राजेश, आज रात ड्यूटी पे मेरी जगह तुम चले जाओगे? मैं जरा फंस गया हूँ। कहीं सचमुच तो नहीं फंस गए सर? नहीं यार, दुर्गा प्रसाद को घेरने का चक्कर है। देख लीजिए सर, कहीं ये चक्कर चक्कर ही ना दे दे। घबराओ नहीं। गर्मी, खिड़की खोलो भाई, खिड़की खोलो। सच्ची बहुत गर्मी है ना। ओ, सब लोग अपने अपने जैकेट क्यों नहीं उतार देते? चलो कम ऑन। बिल्कुल भीग गया। कोट उतार दो ना। कितनी गर्मी है। तोबा 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 तोबा। डीपी के दफ्तर में काम करती हैं? जी। मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, आप मेरी मदद कर सकती हैं? आप 3rd मंजिल पर चले जाइए, वहाँ पर एक जफरुल्ला खान है, उनसे मिल लीजिए। जी शुक्रिया। मुझे खींच रही है, देखते नहीं आपने मुझे बांध रखा है एक कच्चे धागे से? हाउसफुल देखा रीता, कहा था
है कि हमको पहले से ही टिकट खरीद लेनी चाहिए थी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है अगर आप लेना चाहें तो। आप हैं बहुत चालाक, उस रोज फिल्म का एक्स्ट्रा टिकट मेरे लिए खरीदा था ना। आप हैं बहुत चालाक, दिल के राज समझ लेती। आया हुआ है, सुना है बड़ा ही कमाल का है। मैंने तुम्हारे लिए भी टिकट खरीदा है। आज रात की है, आज रात को तुम मुझे एक दोस्त से मिलने जा रहा है। कहानी शुरू जरूर यहां से हुई थी लेकिन खत्म यहां नहीं हुई, बीच में इधर बढ़ गई। पुलिस वाले तो हथकड़ियां लाया करते हैं, अंगूठियां नहीं। हथकड़ी भी लाऊंगा। तो सीधे वही ले आइए ना, ये डोंगबाजी अब जारी रखने की क्या जरूरत है। हथकड़ी जिन के लिए लाऊंगा वो ये हाथ नहीं। हाँ ये हाथ मुझे उन हाथों तक पहुंचा जरूर सकते हैं। सेठ दुर्गा प्रसाद डीपी, सुना उसका कोई राज उसकी सेक्रेटरी से छुपा नहीं है। इंस्पेक्टर ये मेरा घर है, अगर आपको मेरे दफ्तर के बारे में कोई खबर चाहिए तो कभी मेरे दफ्तर तशरीफ ले आइए। दुर्गा प्रसाद एक ऐसी जहाजों की कंपनी का मालिक है जिसके पास एक भी जहाज नहीं। गरीबों ने 100-100 रुपया जमा करके लाखों के शेयर इसमें खरीदे हैं और ये पूरी की पूरी रकम हजम कर चुका है। इसके अलावा 2500 गैर कानूनी धंधे और हैं जिनमें डीपी का हाथ है। आदमी पहुंच वाला है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का उस पर आशीर्वाद है, उसे पकड़ना आसान है। इसलिए एक मामूली से इंस्पेक्टर के सबूत यह काम सौंपा गया है कि वो डीपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल करे। आपने सोचा मैं एक नमक हराम लड़की हूँ और इस घटिया तरीके से मेरा इस्तेमाल करना चाह। इंस्पेक्टर धर्मदेव, मैं अपने बॉस की इज्जत करती हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। आप मेरे घर से निकल जाइए। इंस्पेक्टर धर्मदेव आपके घर से निकल गया, हमेशा के लिए निकल गया, लेकिन धर्म नाम का एक सीधा साधा सा आदमी आपकी जिंदगी से कभी निकल ना पाएगा। कल शाम आप उससे मिलने आएंगी? नहीं, वो इंतजार करता रहेगा। समझ लो दुर्गा के 40 लाख का कर्ज तो तुम्हारा खरा हो गया और लाइसेंस भी हम तुम्हें सारे के सारे दिलवा देंगे, लेकिन अपनी कमीशन अब की दफा 5% नहीं होगी तो 10%। क्या गजब करते हो यार, ज्यादा है। देखो बंधु, कारोबार आजकल सारे के सारे डामाडोल हो रहे हैं और फिर इस उम्र में बीवी बच्चों का भी तो ख्याल आता है। बीवी बच्चों को बीच में ले आए हम कुछ कह भी नहीं सकते। मिला हाथ, देयर यू आर। बीवी को साथ नहीं लाए आपके बार? देखो बंधु, हम तो यहाँ याशी करने के मूड में हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम जैसे यारों के होते हुए इतनी वीरान शाम। ऐसी क्या बात है, एक फोन करता हूँ हरम लग जाएगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। वैसे बाय द वे तुम्हारी एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी हुआ करती थी। अब भी है? तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर है उसके साथ? हमारा तो नहीं, कहो तो तुम्हारा चलवा दे। अरे क्या बात है डीपी, यू आर ग्रेट। सुनो भाई, 100 रुपए का शेयर देना। अरे सेठ जी, जब 100 के 200 हो सकते हैं तो 500 के 1000 हो सकते हैं। 1000? अच्छा भाई 3 शेयर दे दो। ये बात हुई, 3 के 6 हो जाएंगे। अरे जरा सोचिए तो सही, अरे साल 2 साल में 100 के 200। अरे कमाल हो रहा है, लुटा दो माल, लुटा दो, लूट लो, लूट लो। आदाबस करता हूँ मोहतरमा, कितने शेयर खरीदिएगा? मैं शेयर पहले ही खरीद चुकी हूँ, मैं इन्हें वापस बेचने आई हूँ। अरे आप क्या गजब कर रही हैं? जबकि शेयर का भाव बढ़ने वाला है तो आप इसे बेचना चाहती हैं? मेरी बच्ची का इम्तिहान है, दाखिले के लिए पैसे नहीं है, मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। मगर मोहतरमा, ये शेयर 6 महीने से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। कुछ भी कीजिए, मुझे गरीब बेवा पे तरस खाइए। बेवा? आइए आइए, ये हुस्न, ये जवानी
और इस जवानी में बेवगी। देखिए मैं जाती तौर पर हाँ आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप जरा अपना पता तो लिखवाइए, गली कौन सी है। हाँ लिखवाइए ना। मरीना बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, नागपाड़ा। ग्राउंड फ्लोर नागपाड़ा। खान साहब आया, आप फिक्र न कीजिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे सपना बहन आज तुम यहाँ बहन? आपसे एक सलाह लेनी है खान साहब। लो 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 लो, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। अच्छा, सोचती हूँ मुनाफा तो यहाँ पक्का ही है, क्यों ना अपनी ही कंपनी के शेयर में खरीद लूं। अरे सपना बहन, अगर कुछ पैसे जमा हो गए हैं तो खुदा का शुक्र करो और अंटी मिटाप के रखो। अरे इस कंपनी के शेयर खरीदने वालों का तो बेहाल होने वाला है। 100 रुपए का शेयर दीजिए, गिन लीजिए। अरे 100 रुपए में से एक फूटी कौड़ी वापिस ना आएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अकेले में मुझे बाहर मिलना, फिर मैं बताऊंगा कि रुपया कहाँ लगाना और कहाँ न लगाना, समझी। गरीबों ने 100-100 रुपया जमा करके लाखों के शेयर इसमें खरीदे हैं और ये पूरी की पूरी रकम हजम कर चुका है। जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, अरे निभाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वादा किया है निभाना पड़ेगा। सुनाइए, जरा अंदर आइए ना। अंदर? आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी? काना से तो आप रोज ही बातें करते हैं, आज इस कनीज को भी खिदमत का मौका दीजिए ना। आइए ना। देखिए बेगमो, देखिए जरा सुनिए, आज आप दोनों आपस में गुफ्तगू कर लीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। आज सरकार की कुछ तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं और इतने उल्फत भी लगाया, ऐसा जिंदगी में आज दूसरी बार हुआ। पहली बार कब हुआ था? जब तुम्हें लाने वाले थे। मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें कोई तीसरी भाग गई। देखिए मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ। अच्छा अगर आप जीत करते हैं तो कर समझ कर रख लेती हूँ। अपना समझा है तो पैसों के बदले पैसे ही न लौटाइएगा। जी मेरा मतलब है कि घायल की गत घायल ही जाने। तो क्या आप रंडवे है? रंडवो से भी बदतर, यूं तो कहने को दो दो बीवियां हैं, मगर कम वक्त ये दिल है कि फिर प्यासा का प्यासा। खान साहब मेरी बात तो सुनिए आप, मेरा मतलब है कि जब कभी हुस्न और शबाब के जलवे को करीब पाता हूँ तो बेकाबू हो जाता हूँ। आपने अभी तक हमें हमारी बच्ची से नहीं मिलवाया, वो कहाँ है? सलमा जी, अम्मी जान, बेटे बेटे जान को आदाब करो। आदाब। आदाब। आ आ आ आदाब। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये मेरी बेटी सलमा है, नर्सिंग का कोर्स कर रही है। वाह, खुदा भी कैसा कारसाज है, अगर माँ कामदेव की कमान है तो बेटी उस पे कसावा तीर सज ले। अरे मगर क्या तकलीर। अरे दे 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 दे, अरे दे 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 दे, अरे दे दे दे। सर और कुछ काम तो नहीं? हाँ सपना, ये कुछ फाइलें हैं, कॉन्फिडेंशियल, हमेशा ख्याल रखना कि ये कभी बाहर न पड़ी रह जाए, कहीं गलत हाथों में पड़ गई तो मुसीबत खड़ी हो सकती है, इन्हें तिजोरी में बंद कर दो। आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं सर। इसमें क्या शक है? तो मिस्टर एक्स का नाम क्यों छुपाते हैं? मैं कहां छुपाता हूं, वो तो खुद ही छुपा रहना चाहता है। क्यों? तुम तो जानती हो सपना, आजकल पैसे कमाने के लिए बहुत से टेढ़े मेढ़े काम करने पड़ते हैं, इसलिए टेढ़े मेढ़े लोगों से वास्ता रखना पड़ता है। मिस्टर एक्स उनमें से एक है, उसका असली नाम जगमोहन है, बहुत काम का आदमी है दिल्ली में। तुम उसे मिल क्यों नहीं आती? सर मैं
बल्कि मैं तुमसे कहने वाला था, ये जरूरी खत उसे पहुंचाना है, और किसी के हाथ भेज नहीं सकता, रास्ते में वहीं होती जाना। टीपी ने आपको मेरे पास भेजा होगा, तशरीफ रखिए, मैं एक मिनट में हाजिर होता हूं। अपने लिए कुछ पीने को निकाल लीजिए, फ्रिज में सब कुछ है। जी नहीं मैं। अरे साहब तकल्लुफ छोड़िए, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए एक लिमका खोल दीजिए। टीपी इस वक्त कहाँ होंगे? जी पता नहीं, दफ्तर से तो निकल चुके थे। आई सी, माफ कीजिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ, जरा मेरा ड्रिंक इधर ले आइए। प्लीज, थैंक यू। होटल वालों ने आईना ऐसी गलत जगह फिट कर दिया है कि दरवाजा खुला रहे तो कुछ नजर आए। माफ कीजिए। क्या फ्रेश ड्रिंक है, एक सिप लेकर देखिए ना। जी नहीं, आप ही लिफाफा ले लीजिए, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी? क्या जुल्म ठा रहे हैं आप, हम तो कल से आपकी राह देख रहे हैं। आपको मालूम था कि मैं आने वाली हूँ? डीपी ने आपको बतलाया नहीं, हम तो आपके पुराने चाहने वालों में से हैं। डीपी साहब ने मुझे आपको ये लिफाफा देने को कहा था, बस। ओ कम ऑन डार्लिंग, ये लिफाफा तो कुछ चपरासी भी ला सकता था। हट जाओ मेरे रास्ते से। अफो, ये तेवर। देखो मिस, तुम्हारा ये बॉस डीपी मेरे रहमो करम पे जिंदा है, उसे खुश रखने के लिए मुझे खुश रखना जरूरी है। ये नेक ख्याल आपके हैं या डीपी के? डीपी और हम बहुत सी बातों में हम ख्याल हैं। सुनो, ये नखरा वखरा छोड़ो, हम डीपी से कहकर तुम्हारी तरक्की करवा देंगे, समझी? मैंने उसका दिल दुखाया है ब्रिगेंड साहब, वो मुझे सजा दे रही है, लेकिन सच पूछो तो मैंने भी उसे धोखा दे दिया। वो आएगी जरूर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, और मैं इंतजार करूंगा रोज। इंतजार का फल मीठा होता है। लो वो आ गई। आप अभी तक यहाँ आए? मैंने कहा नहीं था, लेकिन आज तो मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी आप आ गई। आप दुर्गा प्रसाद के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अगर आपकी दोस्ती को खोने की कीमत देनी पड़ेगी तो मुझे कुछ नहीं जानना है, लेकिन आज मैं सब कुछ बता देना चाहती हूँ। तिजोरी कैसे खुलती है? उसका नंबर है। ए भाई किधर जा रहा है? रात को बिल्डिंग में जाना मना है। ये जो किधर, इधर आओ। हाँ इधर, एक आदमी आया था, कहाँ गया? आदमी हमने तो नहीं देखा। अरे अब भी आया था। Thank you.
पहली बार किसी औरत का हाथ लगाया है। आपके हाथ में क्या है? जो मुझे चाहिए था, दुर्गा प्रसाद। ये कागजात हथकड़ी बन जाएंगे। अब मेरी जरूरत पूरी हो गई, मैं चलूं। आप चले जाएंगे, घर फिर पहले जैसा गंदा हो जाएगा। एक नौकरानी रख लीजिए। दो रख लूंगा, अगर उन्हें संभालने की जिम्मा आप ले लें। हम अब पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते। हम पुलिस छोड़ देंगे। हमें मजाक अच्छे नहीं लगते। हीरे तो अच्छे लगते हैं। अगर अच्छा लगे तो पहन लीजिए। हम इसे ले जाते हैं, पहन लेंगे जब अच्छा लगेगा। मेरे दफ्तर में चोरी हो गई है। रिपोर्ट थाने में जाके ले आइए। बात लंबी हो जाएगी। और फिर थाने में ऐसी बात करना मुनासिब नहीं। भाई साहब, मैं जानता हूं कि जिस दुनिया में आप जीते हैं वहां धर्म ईमान तक बिकता है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है धर्म नाम का इंस्पेक्टर नहीं बिकता। इंस्पेक्टर धर्मदेव, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। लोग मुझे डीपी कहते हैं, और डीपी के साथ या तो दोस्ती हो सकती है या दुश्मनी, बीच का कोई रास्ता नहीं। देखो डीपी, मेरा नाम धर्मदेव है, तुम चाहो तो मुझे डीडी बुला सकते हो, लेकिन डीडी और डीपी की दोस्ती नहीं हो सकती। सोच लो, दुश्मनी भारी ना पड़ जाए। अब क्या सोचना डीपी, जब से ये पेशा अख्तियार किया है हल्की चीजें अच्छी ही नहीं लगती। शुक्र है तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं, वरना मुझे तरस आ जाता। हेलो राजेश, जरा सोचो तो मेरी मुट्ठी में क्या है। डीपी, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि सीधा अंदर जाएगा। अगर तुम वहीं हो तो मैं भी आता हूं, केस तैयार करने में तुम्हारी मदद चाहिए। आप आइए सर, मैं यहीं हूं। धर्मदेव
ड्यूटी पर शराब पीकर हादसा करने के जुर्म में अदालत दफा 304A के तहत तुम्हें 2 साल की सजा देती है। इंस्पेक्टर जेल। साल की सजा 6 महीने में कैसे खत्म हो गई? पुलिस में आपके बहुत से दोस्त हैं जो आपकी बेगुनाही को साबित ना कर सके हों, जानते जरूर हैं। इंस्पेक्टर हो गए हो तुम? जी हाँ भाई साहब, आपके नक्शे कदम पर चलकर। ज्यादा मत चलना, ये नक्शे कदम सीधे अंदर जाते हैं। कोशिश चल रही है बहुत जल्द आपको नौकरी पर वापस बुला लिया जाए। बहुत जल्द? जी हाँ, जैसे ही लोग भूल जाए कि मेरा मुंह काला हो चुका है। डिपार्टमेंट में बहुत से लोग शर्मिंदा हैं, अब आपको वापस बुलाने का उन्हें कोई बहाना चाहिए। मेरा घर तो जा चुका होगा। जी नहीं, उसका किराया हर महीने चुका दिया जाता है। और क्या क्या एहसान है तुम्हारे मुझ पर? भाई साहब, इसे एहसान मत कहिए। डीपी इस वक्त अपने दफ्तर में होगा। आपका मकान तो बहुत दिनों से बंद है, मेरे घर चली कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। छोड़ना है तो मुझे डीपी के दफ्तर तक छोड़ दो। देखिए भाई साहब, पहले भी आप वरना मैं अपने आप चला जाऊंगा। जीप में बैठिए तो सही। डीपी के दफ्तर। आपको जरूरत पड़ेगी, इसे कल समझिए। नहीं भाई साहब, सिर्फ एक बुलेट, बिना पिस्तौल के किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसे भी कर्ज ही समझो। किसे मिलना है आपको? मैं लौट आया हूं डीपी, तुम्हारी नींदों को हराम करने के लिए। ये देखते हो क्या है? एक बुलेट जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। ये तब तक मेरे दिल के पास रहेगी जब तक ये तुम्हारे दिल के पास ना पहुंच जाए। लोन ऑफ टू क्रोस बाद में। Thank you.
माला मुझे तुमसे मिलना है दोपहर जब वो सो जाएंगे मेरे घर सेठ साहब ठीक है जी नाश्ता कर रहे हैं दवाइयां तो बराबर चल रही जी हाँ मैं कह दूंगी अच्छा जी नमस्ते कौन था डॉक्टर रोशी उठी नहीं उठी वो नाश्ता मांगेगी जब हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे सुबह 4 बजे तो आई है तुम उसे समझाती क्यों नहीं मैं समझाऊं तो सौतेली माँ आपकी लाडली बेटी है बिगाड़ते जाइए हे जिंगल हाँ रोशी खेलना चाहती है नो क्यों नहीं रोशी क्लब ने तुमको बायकॉट किया है जानती है तू जुए में कितना उधार हार चुकी है 60,000 जब तक तू ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएगी तुझे खेलने नहीं दिया जाएगा इतने बड़े बाप की बेटी है 60,000 तेरे लिए क्या है चुका दे लाके गुड हेल रोशी एक दिन ऐसे ही गिरेगी मुंह के बल कि उम्र भर के लिए कीचड़ लगा रह जाएगा इसीलिए तो कहती हूँ छोड़ दे मेरा पीछा मैं तेरे लिए नहीं तू मेरी हो सकती है रोशी सिर्फ ये गंदी आदतें छोड़ दे ये आदतें भी छोड़ दूंगी तो और क्या रह जाएगा रोशी बहुत कुछ रह जाएगा मैं तुझे एक नई लड़की बना दूंगा नहीं बनना मुझे नहीं लड़की एक दिन वर्दी पहनकर आऊंगा और हथ कड़ी लगाकर ले जाऊंगा उन सब हरामजादों को जो अफीम चरस गांजा बेचकर जवान लड़के लड़की को खराब करते हैं मुझे भी ले जाएगा तुझे तो अभी ले जाऊंगा छोड़ मुझे इस हालत में गाड़ी चलाएगी तो कोई ठोक वोक देगी तेरे बाप का क्या जाएगा हाँ मेरे बाप का ना सही तेरे बाप का तो जाएगा चल बैठ तुझे घर छोड़ देता हूँ धर्म मेरे नाम पर एक ऐसा धब्बा लग गया है सपना कि ये मिटेगा नहीं जब तक ये सारी की सारी कालख मैं दुर्गा प्रसाद के मुंह पर न थोप दूं पहले मैं उसके यहाँ काम करती थी अपना पेट पालने के लिए लेकिन अब काम करती हूँ उसे बर्बाद करने के लिए धर्म कल रात को जॉन बेंजामिन नाम का एक विदेशी स्विट्जरलैंड जा रहा है कस्टम में उसकी तलाशी नहीं होगी लेकिन उसका बैग विदेशी नोटों से ठुस भरा हुआ होगा वो सब नोट डीपी के हैं डीपी ने अपना लाखों रुपया इसी तरह से बाहर भेज दिया है बोंजो मिस्टर जिस विज एम्बेसडर द सूडानी टिकट सब टिकट चलो 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 आपने गलत किया भाई साहब वो जॉन बेंजामिन नाम का आदमी गलत था कि नहीं वो तो था उसके बैग में विदेशी रुपया था कि नहीं वो गलत काम कर रहा था कि नहीं मैं मानता हूँ आदमी डीपी का है वो रुपया डीपी का है उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है तुम सबूत ढूंढते रहोगे वो मुल्क छोड़ के चला जाए हम उसे नहीं भागने देंगे ये मैं यकीन से कहता हूँ भाई साहब जब तक आपको नौकरी वापस नहीं मिल जाती अब ये सब काम हम पर छोड़ दीजिए आप कोई गैर कानूनी बात कर बैठेंगे तुम वर्दी में हो तुम कानून में बंद कर रहो मैं वर्दी में नहीं हूँ और डीपी मेरा दुश्मन है जॉन बेंजामिन पकड़ा गया जॉन बेंजामिन उसके बैग में विदेशी नोट से बेचारा हवालात में है उसे बेल देने नहीं जाओगे डीपी क्या बकवास कर रहे हो ऐसे मेरा पीछा करोगे तो हवालात में बंद करवा दूंगा वो तो पुरानी बात है आगे आगे देखिए होता है क्या
अब तो मुझे खुद ही स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, आजकल में ही। डार्लिंग, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं न गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय लव। सपना। यस सर। मिले तो आज रात ही एक सीट मेरे लिए बुक कर देना। यस। हेलो, मर्क्यूरी ट्रैवल। यस प्लीज। श्री दुर्गा प्रसाद, मैं माफी चाहता हूं, आज आप नहीं जा पाएंगे। मुझे 6 लाख से ऊपर आपका टैक्स बाकी है। 6 लाख की क्या बात है, कल ही भर दिए जाएंगे। तो आप कल चले जाइएगा। लेकिन मेरे पीछे मेरा ऑफिस। बहस करने का कोई फायदा नहीं, आज आप नहीं जा पाएंगे। ये आपका टिकट। मेरा पासपोर्ट। ये पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, टैक्स भरते ही आपको वापस मिल जाएगा। मेरा पासपोर्ट छीन लिया गया है। क्यों? इससे भी बड़े खतरे आने वाले हैं। दफ्तर की थोड़ी सी सफाई करा लो, किसी वक्त भी सरकारी मेहमान आ धमकेंगे। और सुनो, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। हुजूर ने बंदे को याद फरमाया। खान साहब जी। सपना। यस। मैं खान साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ। यस सर। दरवाजा बंद कीजिए और इधर आइए। खान साहब जी, दिन कुछ बुरे आ गए हैं। ये फाइलें आपके हवाले कर रहा हूं, इन्हें जान से भी प्यारा समझिए और कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए। आप बीमार हैं, समझे? जी हां सरकार, मैं बीमार हूं। मुझे हैजा हो गया है, फ्लू हो गया है, मलेरिया हो गया है। बेगम लिहाब किधर है, जल्दी से लाओ। ठीक है ना सरकार? तो क्या सर, आप फिक्र ना करिएगा। देखो बेगम, ये कागजात जान से भी ज्यादा कीमती है, समझी? इनकी हिफाजत करना, ये लो चाबी, मैं चला। आप कहाँ चले? आप तो कह रहे थे ना छुट्टियां हैं, आइए ना, छुपा छुपी का खेल खेले। देखो अब तुम बच्ची नहीं रही हो और मुझे मलेरिया हो गया है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। सलमा, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? कुछ भी बना लो। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सलमा कहाँ मिलेगी? सलमा चटादान, आप आजकल अस्पताल के चक्कर बाहर काट रहे हैं? दरअसल आजकल मुझे जरा बेख्वाबी की शिकायत रहने लगी है, इलाज की खातिर चलाता हूँ। ये लौंडा कौन था? कौन? असलम मेरे साथ ही काम करता है। क्यों करता है? मेरा मतलब ये है कि मुझे गैर मर्दों के साथ तुम्हारा यातना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं? मेरा मतलब यह है कि तुम इन बारीक बातों को ना समझोगी। देखो आजकल का ये नौजवान औरत को खिलौना समझता है कि बखेला और आगे बढ़ गए। अरे औरत को समझने के लिए एक तजुर्बा चाहिए, और तजुर्बा जो है वो उम्र के साथ आता है। चचा जान, चचा निकालो, सिर्फ जान कहो। जान कहो, छोटा कर लो, मुन्ना कर लो, जफरू कहो, जफरू। देखो सलमा, तुम शाम को जल्दी घर पहुंचाया करो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है और फिक्र से टीबी हो जाती है, टीबी का इलाज हो जाता है। मगर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बड़ा दिलचस्प बुड्ढा लगता है, कौन है? है एक हजरत, पहले माँ पे डोरे डाल रहे थे हा? और अब मुझ पर। अच्छा क्या हो? कुछ नहीं साहब, अगर मेरी जरूरत न हो तो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। जब तक तलाशी जारी है दफ्तर से कोई आ जा नहीं सकता। हेलो, मेरे हाथ में एक बुलेट है। तुम आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके दफ्तर में ऐसा कोई छोटा सा सबूत भी नहीं मिला जिससे हम टीवी पर उंगली भी उठा सके। इसका मतलब है कि वो सबूत उसने कहीं और छुपा दिए। जा
जान भी चली जाए उसकी तो हर्ज नहीं। कम से कम हाथ पैर तो ऐसे तोड़ना कि जिंदगी भर उठ ना सके, समझे? ऐसा ही होगा। रुको, पूरी बात तो सुनते जाओ। उसकी इस जेब में उसकी अकड़ है, दिल के पास एक बुलेट, वो मुझे चाहिए। बुलेट? क्या बुलेट नहीं जानते हो? कभी पिस्तौल भी देखी है या नहीं? क्यों नहीं? पिस्तौल की जो गोली होती है उसे बुलेट कहते हैं। ओ, रात 12 बजे तक मैं गोल्डन बार में इंतजार करूंगा, तुम इसे कोई एक वो बुलेट लाकर मुझे देगा, जिससे मैं जान जाऊंगा कि काम हो गया है। ये कहां से आए? 555? मैंने खरीदे, लेकिन मैं ये पीता हूं चार मीनार। पहले तो तुम ये पीते थे, अब भी ये पीता हूं। ठीक है। बोझा बनने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। जमाना बदल गया है धर्म, कल तुम कमाओगे मैं खाऊंगी, आज मैं कमा रही हूं तुम खाओ। आज अगर बोझे का सवाल तुम्हारे लिए तो कल मेरे लिए हो जाएगा। नई बात है, इस पर सोचूंगा। अपना ख्याल रखना, दीपिका हल चीते की तरह हो रहा है, उसे अपनी मौत नजर आने लगी है। जेंटलमैन, आपके मनोरंजन के लिए आज हम एक खास आइटम पेश करते हैं।
माला, मुझे पैसे चाहिए। कितने? कम से कम 6 लाख, हो सके तो 10 लाख। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करती तो एक कड़के के साथ शादी करती। वो बुढ़ा भी कहाँ मर गया है, कहती थी 100 बीमारियों का मरीज है, करोड़ों रुपया तुम्हारे नाम करके मरेगा। सोचते कुछ है, होता कुछ है। अगर बुढ़ा मर भी गया तो क्या होगा, सारा रुपया अपनी लड़की के नाम करके मरेगा। गोली मारो उसके पैसे को, करोड़ से ज्यादा रुपया तुमने स्विट्जरलैंड भेज रखा है, वो भी तो तुम्हारा ही है। लेकिन मुसीबत क्या हो गई, जिस आदमी को मैंने वहां देखभाल के लिए रखा था वो आजकल हवालात में है, अगर मैं वहां फौरन नहीं पहुंचा तो उस रुपए के गायब हो जाने का डर है। इस उल्लू के पट्टे धर्मदेव की वजह से यहां के लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे टैक्स भरना वरना मुझे जाने नहीं देंगे। 6 लाख माला, सिर्फ 6 लाख, कोई शानदार छीक माने तो 6 लाख मेज पर गिर पड़े। वो तो ठीक है डार्लिंग, लेकिन जरा उसकी कंजूसी का तो सोचो, अगर उसे पता चल जाए कि उसके छींक मारने से उसका रुपया गिर जाएगा तो बुढ़ा मर जाएगा लेकिन छींक नहीं मरेगा। कम ऑन माला, उस खुसट को नहीं पटा सकते, लानत है तुम्हारी जवानी पर। तो तुम ही कोई तरीका बताओ। यह बात हुई ना। आओ, कुछ प्यार करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं कि रोशी तुम्हारे रास्ते से हट जाए और धर्म मेरे रास्ते से। रोशी नहीं आई। रोशी रोशी रोशी, आप अपनी जान सुखा देंगे। क्या करूं, एक ही एक औलाद है। मेरे औलाद नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम रोशी को ही अपनी औलाद क्यों नहीं समझती? समझ लूंगी, वादा करती हूँ, लेकिन इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसे? जो डांट डपट उसे मुझसे मिलती है ना, वो आप दीजिए, जो लाड प्यार उसे आपसे मिलता है वो मैं दूंगी, धीरे धीरे वो मेरी तरफ झुक जाएगी और मैं उसे सुधार लूंगी। ठीक है, आ जाने दो उसे। ये कोई वक्त है घर आने का? डैडी, खड़ी देख कर जीने वाले लोग जीना भूल जाते हैं, और जब जीना याद आता है तो दिल के मरीज होते हैं आपकी तरह। इतनी बदतमीज हो गई तू? तमीज आप किसे कहते हैं, सच को झूठ बनाकर कहने को। डैडी, आपको इतना गुच्छा नहीं करना चाहिए और इतनी देर तक जागे नहीं रहना चाहिए, और अपनी इस बिगड़ी हुई बेटी को सुधारने की कोशिश में नींद खराब नहीं करनी चाहिए। ये चाटा आपको तब मारना चाहिए था जब मैंने पहला सिगरेट पिया था। उस वक्त मैं 11 साल की थी, लेकिन आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत कहाँ थी। ये चांटा आपको तब मानना चाहिए था जब मैंने पहला बॉयफ्रेंड बनाया था, उस वक्त मैं 14 साल की थी, लेकिन आपको देखने की फुर्सत कहाँ थी। ये चांटा आपको तब मानना चाहिए था जब पहली बार मैं जुए में 100 रुपए हारी थी, उस वक्त मैं 15 साल की थी, लेकिन तब भी आपको फुर्सत कहाँ थी। तब मानना चाहिए था जब मैंने पहली बार LSD की गोली खाई थी, पहली बार चरस पी थी, उस वक्त मैं 16 साल की थी, लेकिन तब भी आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी, नहीं थी। आज मैं 19 साल की हूँ, हजारों सिगरेट मेरे खून में जा चुके हैं, कई बॉयफ्रेंड आए और गए, सैकड़ों नशे की गोलियां हजम कर चुकी हूँ, 60,000 रुपया जुए में हार चुकी हूँ, उधार और